हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष रॉ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू वीडियो देख लिया होगा फ्रेंड्स, इसका प्रीव्यू वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जोस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये वाला एप्लीकेशन जो होता है इसे ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपको मेरा यूजर नेम जो है उसी को सर्च कर लेना है, एम के सिंह 1051 भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब का जो नाम है उसे भी सर्च कीजिएगा। यहाँ पर तो मेरा यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा प्रीव्यू के लिए फुल वीडियो अपलोड होता है तो आप यहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं, डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं अपने स्टेटस के रूप में। यहाँ पे कोई वाटरमार्क भी नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको आ जाना है बैक, यहाँ पे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। फिर से एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे दो ठो प्रीसेट लिंक आपको मिलेगा, एक सॉन्ग और लिरिक्स का प्रीसेट मिलेगा, एक फुल प्रोजेक्ट का प्रीसेट मिलेगा, आपको दोनों को इम्पोर्ट कर लेना है। फ्रेंड्स आप जब इम्पोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मैंने इम्पोर्ट पहले से करके रखा है तो मुझे यहाँ पे लाइट मोशन ओपन को ओपन करके प्रोजेक्ट में जाना होगा। प्रोजेक्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये वाला फुल प्रोजेक्ट जो है इसे आपको ओपन कर लेना है सबसे पहले, और ये वाला जो कॉर्नर पे ऑप्शन देख सकते हैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर लीजिए तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब थोड़ा आगे की तरफ आ जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट मॉडल इमेज देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कीजिएगा, कलर एंड फिल पे जाइएगा, ये वाला ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। आप यहाँ पे अपना जो भी मॉडल इमेज लगाना चाहते हो उसे आप सिंपली लगा लीजिएगा। उसके लिए आपको जाना होगा आपके अपने उस फाइल में जहाँ पे आपने अपना बैकग्राउंड रिमूव करके फोटोज रखा होगा। तो मेरा फोटो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फोटो जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव करके रखा है। तो यहाँ पर आपको एक ठो इमेज लेना है जो कुछ इस तरह से बैठा हुआ टाइप का इमेज होगा। इमेज मैंने ले लिया, अब इसे एडजस्ट भी करना होगा, डायरेक्ट इमेज ले लेने से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एडिट से अपने चले जाना है, इसका वाई वाला सिलेक्ट करके मतलब हाइट वेट आपको एडजस्ट करना है। तो अगर ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो वाई की मदद से आप लंबाई इसका कम कर सकते हैं, अगर वेट ज़्यादा हो तो आप इसकी मदद से वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे करने के बाद यहाँ से बैक आइए, मूव में जाइएगा, मूव में जाने के बाद इसे इस तरह से नीचे तक थोड़ा सा कर लीजिएगा, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है आपका मॉडल जो है सो यहाँ पर बैठा हुआ है। ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसे छोटा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, और फिर इसे एडजस्ट इसी तरह से आपको करना है कि लगे जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। आप देख सकते ये जो ऊपर दिख रहा है बस उतना ही आपके स्टेटस में दिखेगा, तो ब्लैक में जो भी है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा मॉडल यहां पे आपको चेंज करना है तो फ्रेंड्स दूसरा मॉडल इमेज आपका ये वाला, इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ तक एकदम इस तरह से आप देख लीजिए, आपको जहाँ पे सही लगे वहीं पर रिप्लेस कीजिएगा। तो इसे रहने दीजिए, कलर एंड फिल पे क्लिक कीजिए, ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, दूसरा फुल बॉडी इमेज आपको यहाँ पे लगेगा। तो जो भी इमेज को आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो आप सिंपली उस इमेज को ले लीजिएगा। तो फुल बॉडी इमेज आपको लेना है, कुछ इस तरह से इमेज ले लीजिएगा। इमेज लेने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, एडिट शेप में जाइएगा, इसका भी हाइट वेट आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितना पे सही लग रहा है उतना पे रखिएगा। मूव एट ऑल सॉम की मदद से आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप इसे थोड़ा नीचे करना चाहते हैं इस तरह से तो कर सकते हैं, मतलब इतना मत कीजिएगा कि पूरा गायब भी हो जाए, और इतना तक आप रख सकते हैं या फिर इतना पर रखिएगा सही रहेगा, ठीक है। या आप ज़्यादा आगे भी कीजिएगा तो ये दीवार से भी आगे आ जाएगा, तो उससे उतना नहीं कीजिएगा, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना पे हम रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका काम हो गया, इस तरह से यहाँ पे आएगा जैसे देख सकते हैं। तो एक बार आगे तक लेकर आकर और देख लीजिएगा कि पैर कहीं पे दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि लड़की वाला पैर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है पूरा थोड़ा सा, तो वो हमें दिखना नहीं चाहिए। इसे क्या कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, मूव एट ऑल सॉम की मदद से थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से आगे की तरफ हम कर देंगे इस तरह से, ताकि पैर दिखे ना यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ज़मीन तो यहाँ पे है नहीं, ये आसमान जैसा ही लग रहा है। तो इस तरह से रखिएगा कि दिखाई ना दे। फिर यहाँ पे आगे की तरफ आइएगा और आगे आने के बाद जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब मान लीजिए मैं इसे कहाँ चला गया, इसे सिलेक्ट करते हैं और कलर एंड फिल पे क्लिक करके ये वाली ऑप्शन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद दूसरा मॉडल इमेज यहाँ पे आपको ले लेना है, तो जो भी मॉडल इमेज आपको लेना हो सिंपली सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे प्लस करते हैं, मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। देन यहाँ से बैक आएंगे, एडिट शेप में जाएंगे और इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हाइट वेट एडजस्ट करना जरूरी है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मूव एट ऑल सॉम की मदद से जूम आउट जूम इन वगैरह जो भी आप करना चाहे करके एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पर भी रखना चाहे, इसका काम भी हो गया। अब आगे आइएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट वाला इमेज आपका दिखेगा जो कुछ इस तरह से, लास्ट यही इमेज है। तो इसे आपको कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने बाद फ्रेंड्स कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन टैप करना है, लास्ट आपका इमेज यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। जो भी इमेज आप लेना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा, मैं कोई अच्छा सा इमेज देख लेता हूँ जो थोड़ा अच्छा लगता हो देखने में, तभी तो सही लगेगा। तो चलिए तब तक के लिए इसी को रख लेते हैं, देन यहाँ पे प्लस करते हैं, इमेज ऐड हो गया। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो इसका हाइट वेट सही लग रहा है। मूव एट ऑल सॉम में जाकर हल्का सा इसे हम जूम करते हैं और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, बस इमेज का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा,
ये वाला इमेज थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा लग रहा है, तो इसका वेट हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। फ्रेंड्स बैक आने के बाद आपको क्या करना है, लाइडिक्स वीडियो को ले लेना है। तो इसके लिए लाइडिक्स वाले प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का आपका लाइडिक्स दिखेगा। लाइडिक्स में भी आपको एडिटिंग करना होगा, तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे करना है। तो इसका कलर आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कलर चेंज नहीं किया। तो आप कलर चेंज कैसे करेंगे, ये वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कलर में जाइएगा और बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहे उसे दे सकते हैं। तो वैसे व्हाइट रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ये वाले ऑप्शन टैप कीजिए, कॉपी लेयर कर लीजिएगा और फिर इसी वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और फिर यही वाले ऑप्शन में टैप कीजिए। यहाँ पे पेस्ट स्टाइल का जो ऑप्शन है तो इस पर एरो जो देख सकते हैं इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद सबको डिसेबल कर दीजिएगा और कलर सिलेक्ट रहने दीजिएगा, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, सबका कलर आपका चेंज हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें करी हुई है, कलर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं प्रीसेट इंपोर्ट करते हैं निकल लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अब ये वाले ऑप्शन टैप कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल कीजिए, कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से ये वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, कॉपी नाइन लेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। देन यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है जिसपे हम अभी एडिटिंग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट है। अभी आपको कहना ये वाले ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, पेस्ट नाइन लेयर कर दीजिएगा, आपका लाइडिक्स भी यहाँ पे आ गया। अब जब आगे की तरफ आएंगे तो इस तरह से आपका लाइडिक्स दिखेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो लाइडिक्स है ये अंदर की तरफ दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइडिक्स ऊपर आ जाए तो उसके लिए आपको मूव ट्रांसफॉर्म में जाना होगा और जेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और इसे ऊपर की तरफ लेकर आना होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में ही रहे, ऊपर रहे, तो आप ऊपर इसे कर सकते हैं इस तरह से, या फिर किसी साइड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे ऊपर करना चाहते तो यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया, यहाँ पे इसका हो गया। अब आगे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे भी जो आपका लाइडिंग से वो नीचे जा रहा है, देख सकते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, दिखाई देना चाहिए, अगर दिखाई ही नहीं देगा तो क्या पता चलेगा कि क्या लाइडिंग से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब ये कुछ इस तरह से आएगा जैसा देख सकते हैं और फिर यह नेक्स्ट वाला यहाँ पर आया, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सही है, इसे कुछ नहीं करना है। अब आगे आइएगा, आगे आने के बाद यहाँ पर जो लाइडिंग्स होगा उसे हम देख लेते हैं, लाइडिंग्स कहाँ पर चला गया। तो यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा लेक करने लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी लाइडिक्स अपने जगह पे सही है, इसे कुछ नहीं करना है। आगे की तरफ आइए कि ये लाइडिक्स भी अपने जगह पे एडजस्ट किया हुआ है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हमारा एडिटिंग हो गया फिनिश। काफ़ी ईजी था ना फ्रेंड्स, काफ़ी कम टाइम में आपका स्टेटस कम्प्लीट भी हो गया। तो मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया होगा आपको, बताइएगा, नहीं हमको पता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए ना। आप लोग कमेंट कर भी नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता, हम अपने मन से कितना एडिटिंग लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट किया कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो को सिंपली सेव कर लेना। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो ऊपर एरो पे टैप कर लीजिए, टैप करने नेक्स्ट पार्ट पे क्लिक कीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आप एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते क्या? नीचे एक अंगूठा का निशान है उसको टच कर दीजिए, बस हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह के और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मेहरबानी करने के लिए अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।